चिड़िया और कोबरा। एक पुरानी जंगल में एक चिड़िया की जोड़ी रहते थे। एक चिड़िया का नाम मीनू और एक चिड़िया का नाम टूनी था। एक जोड़ी भजन की तलाश में बाहर रहते हैं। शाम होते ही लौट आते हैं। उसी पेड़ का पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। चिड़िया की जोड़ा बहुत आराम से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन मीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया। अंडा देने के वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े खाने की तलाश में। इधर दोनों खाने की तलाश कर रहे थे, एक दुष्ट सांप अंडा का पास आ जाता है। वो अंडा को खा लेते हैं। टूनी और मीनू जब घर आते हैं, वो दोनों देखते हैं कि उनका अंडा नहीं है, कोई खा चुका है। वो दोनों बहुत उदास होते हैं और रोते हैं। ऐसे ही साल में मीनू अंडा देती है और सांप खा लेती है रोज़ की तरह। दोनों चिड़िया सोच में पड़ जाते हैं कि उनका अंडा कौन खाता है। वो दोनों उड़ते हुए जंगल से आ रहे थे। वो देखे कि जो पेड़ में मीनू और टूनी घर बनाए हैं, उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहती है। वो दोनों समझ लिया कि सांप उनका अंडा खा लेता है। अब हमें शत्रु को पता चल चुका है। हमें शत्रु को कैसे सबक सिखाएंगे, वो ही सोचना चाहिए। वो दोनों चिड़िया उसका दोस्त लोमड़ी का पास जाता है। लोमड़ी कहता है, दोस्तों तुम दोनों को वो पेड़ छोड़ के जाना नहीं चाहिए, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। लोमड़ी उसको चतुर दिमाग से कुछ उपाय बताया है। सुनकर दोनों चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और उड़ते हुए घर चला जाता है। एक दिन दो रानी बगीचा में घूम रहे थे। उसी टाइम टूनी ने रानी का हार छीन के उड़ते हुए चले आया। टूनी का पीछे पीछे दो सैनिक भी चल पड़े। टूनी वो हार को लेते हुए वो पेड़ का पास आ गया। टूनी वो हार सांप जहाँ पर है उसी का पास गिरा दिया। सैनिक सब आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सांप का पास एक हार है। वो सैनिक सांप को मार देते हैं, वो हार ले लेते हैं। टूनी और मीनू की प्लानिंग सफल हो गया। वो दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीखने को मिलती है कि शरीर से आप भले ही कमज़ोर हो, बुद्धि की ताकत से किसी न किसी को हरा सकते हो।